सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। और चलिए दोस्तों, एक बार जल्दी से आप लोग जय हिंद लिखिए और कमेंट में आइए। सभी लोग आइए दोस्तों। तुलसी आप जय हिंद लिखिए दोस्तों। गौरव, विमल, किशन, विशाल, नितेश, आप सभी लोग एक बार कमेंट में आइए और जय हिंद लिखिए दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो हम लोगों का टॉपिक है, आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा पता है, 3 क्लास डेली देखनी हमको। सुबह हम लोग 10 बजे वाली क्लास देख ही रहे थे दोस्तों। जो आपकी ये 11 बजे वाली क्लास है, इसका टाइम चेंज करके दोस्तों 12 बजे कर दिया गया है। अर्थात 10 बजे आप इंग्लिश देखिए, 12 बजे आप प्रैक्टिस सेट देखिए दोस्तों। और उसी के साथ दोस्तों 7 बजे आपकी रागा की चलेगी। और रागा में आज दोस्तों महामैराथन चलेगी, जिसमें हम लोग रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। और एक प्रश्न रेलगाड़ी का जरूर आता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और प्रैक्टिस सेट क्या है देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्या कह रहा है देखिएगा। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 10, 10 में 2 जोड़ दिए 12, 12 में 2 जोड़ दिए 16, 16 में 2 जो 12 में 4 जोड़ दिए दोस्तों 16, 16 में 6 जोड़ दिए दोस्तों 22। अर्थात 2 प्लस 4 प्लस 6, तो अब की क्या जुड़ेगा दोस्तों। तो 2, 4, 6 और 6 के बाद 8 जुड़ेगा, अर्थात 22 में 8 जोड़ देंगे दोस्तों, तो 30 हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा दोस्तों। कह रहा है एक लीप वर्ष के अंतिम दिन बुधवार हो तो उसका पहला दिन कौन सा होगा। जी हाँ दोस्तों, अंतिम दिन बुधवार है तो उसका पहला दिन कौन सा होगा। तो मतलब दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, आपको पता होगा कि एक आपके पास लीप वर्ष होता है दोस्तों, एक आपका सामान्य वर्ष होता है। अगर ये चैप्टर बेसिक से देखना हो दोस्तों, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहां पर दोस्तों रीजनिंग लिखा हुआ है, रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको पूरी रीजनिंग विस्तार से बताई गई है, वहां देख लीजिएगा। चूंकि हम लोग घोड़ों की तरह दौड़ रहे हैं दोस्तों, इसलिए हर प्रश्न को शॉर्ट में हल करेंगे और कम समय में हल करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, लीप वर्ष में फर्स्ट दिन और लास्ट दिन में एक दिन का गैप रहता है दोस्तों। फर्स्ट डे और लास्ट डे में एक दिन का गैप रहता है। मतलब दोस्तों अगर लीप वर्ष रहेगा तो अगर 1 तारीख को दोस्तों सोमवार है, याद रखिएगा 1 तारीख को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को दोस्तों मंगलवार होगा। ठीक, अगर 1 तारीख को सोमवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा दोस्तों, एक दिन का गैप रहता है। वहीं दोस्तों अगर सामान्य वर्ष है दोस्तों, तो सामान्य का मतलब क्या हो गया दोस्तों, समान। ठीक, समान का मतलब हो गया दोस्तों 1 तारीख को जो दिन रहेगा वही दिन जो है 31 तारीख को भी रहेगा दोस्तों। तो इसमें कह रहा था कि एक लीप वर्ष में अंतिम दिन बुधवार है दोस्तों, अर्थात दोस्तों क्या कह रहा है कि लास्ट डे आपका बुधवार है, तो पहला दिन फर्स्ट डे क्या होगा। तो हमने कहा दोस्तों लीप वर्ष में एक दिन का गैप होता है, तो चूंकि बुधवार है तो एक दिन आप पीछे चले आइए दोस्तों, तो मंगलवार इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी को समस्या होगा दोस्तों तो व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा बेसिक में जहां समझाया हूं उसकी, तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए कह रहा है कि 40 छात्रों की कक्षा में राजेश का स्थान ऊपर से 21वां है। जी हाँ दोस्तों, राजेश का स्थान ऊपर से 21वां है, तो बताइए कि उसका क्रम नीचे से क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, अब याद रखिएगा ये आपका रैंकिंग चैप्टर का है, और रैंकिंग चैप्टर भी दोस्तों हमने पढ़ाया है। मैंने कहा दोस्तों किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो आप हमको व्हाट्सएप करिएगा, एक एक बच्चे को मैं बताऊंगा दोस्तों। अगर समझ में आ रहा हो जय हिंद लिखिए। अब से एक कमेंट करिए, नील प्रताप, ब्लैक अजगर, आप सभी लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं हमारा, उसके लिए धन्यवाद। किशन, आप लोग एक काम करिए दोस्तों, जैसे कि मैंने फेसबुक पर भी पोस्ट किया था, एक बच्चा था दोस्तों जो थोड़ा कुछ उल्टा सीधा कमेंट कर रहा था दोस्तों, तो आप लोग अगर फेसबुक पर शेयर कर देंगे तो अपने सर का सहयोग कर देंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है। देखिएगा
राजेश जो है 40 छात्रों की कक्षा में ऊपर से 21वां है, याद रखिएगा इसका ट्रिक मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, टोटल बराबर होता है अपर प्लस लोअर माइनस वन, या फिर दोस्तों टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखिएगा जैसे ए बी सी डी ई मान लो यही है, कह दिया जाए दोस्तों सी का लेफ्ट से क्रम तीसरा है और राइट से क्रम तीसरा है, तो टोटल कितने लोग हैं दोस्तों, तो देखिए तीन और प्लस तीन माइनस वन, यानी तीन तीन छः में से एक गए दोस्तों पांच, गिनिए एक दो तीन चार पांच। आखिर ये माइनस वन क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि देख रहे हैं सी को जब हम इधर से काउंट किए दोस्तों तब भी ये तीसरे नंबर पर था, और जब इधर से काउंट किए तब भी तीसरे नंबर पर था, अर्थात सी को हमने दो बार काउंट किया इसीलिए एक हम घटा देते हैं। तो सूत्र यही है दोस्तों, अर्थात टोटल बराबर अपर प्लस लोअर माइनस वन दोस्तों। तो अपर कितना है दोस्तों, टोटल है 40 आपका और अपर आपका 21 दिया गया है प्लस लोअर माइनस वन, तो 40 बराबर 21 में से एक घटा दीजिए 20 प्लस लोअर, तो यानी कि लोअर बराबर हो गया दोस्तों 20, अर्थात ऑप्शन नंबर तीन आपका सही जवाब हो जाएगा। कहीं दिक्कत हो दोस्तों तो रैंकिंग वाला चैप्टर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। दोस्तों अब घोड़े की तरह दौड़ दौड़ कर पढ़ना है हम लोगों को, घोड़े की तरह दौड़ कर पढ़ना है और सिलेक्शन इस बार लेकर रहना है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है दोस्तों, यदि किसी संख्या के 3/4 का 1/3 4/5 है, मतलब मान लीजिए संख्या यक्स है, इसका 3/4 इसका 1/3 इसका 4/5 ये आपका बराबर है दोस्तों 35 के, मतलब 4 से 4 कट जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, यक्स बराबर दोस्तों 5 से इधर गुणा हो जाएगा, 35 × 5 करेंगे दोस्तों तो 35 × 5 = 175 हो जाएगा, अर्थात इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 175 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीन आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीन दोस्तों एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्या कह रहा है कि 3 घंटियां क्रमशः 6, 8, 10 सेकंड के अंतर पर बसती हैं, मतलब 3 घंटी बसती है दोस्तों 6 सेकंड, 8 सेकंड और 10 सेकंड के अंतराल पर बसती है, यदि वे एक साथ बजना प्रारंभ करती हों तो कितने समय बाद वे फिर बजेंगी। जी हाँ दोस्तों, कितने समय बाद फिर बजेंगी, तो जब भी दोस्तों आपको घंटी वाले प्रश्न मिल जाए, घंटी वाले प्रश्न मिल जाए, या कह दिया जाए 3 दोस्त 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट के मतलब गैप पर दौड़ते हैं दोस्तों, तो वो एक साथ कब मिलेंगे, तो अगर इस तरह का प्रश्न मिल जाए दोस्तों तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, एलसीएम ले लीजिए, अर्थात 6, 8, 10 का आप एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, तो 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, फिर दोस्तों 3, 2 दूना 4, 5, फिर 2 हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा, अर्थात 2 दूना 4, 2 दूनी 8, 3 24 और 24 × 5 कर दीजिए दोस्तों, 24 × 5 कर दीजिए, तो 24 × 5 मतलब 5 × 20 की 0 हंस लेंगे 2, 5 × 2 = 10, 2 = 12 दोस्तों, अर्थात 120 सेकंड बाद। जी हां दोस्तों, कह रहा है कम से कम कितने समय बाद एक बार एक साथ बजेंगी दोस्तों, तो 120 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी, और 120 सेकंड का मतलब दोस्तों 6 × 12 अर्थात 2 मिनट। जी हाँ दोस्तों, 2 मिनट बाद एक साथ बजेंगी, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहीं भी दिक्कत हो दोस्तों तो आप एक बार और देख लीजिएगा, आप एक बार और देख लीजिएगा, ये वीडियो जब खत्म हो जाए तो आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्या कह रहा है देखिएगा, कौन सी संख्या प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी दोस्तों, कौन सी संख्या प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी, तो सुनिएगा दोस्तों 7, 5, 24, 1, 3, 8, 5, 3 यहां पर क्या होगा, तो दोस्तों देख रहे हैं कि हमारी जो जो हमको सारणी दी गई है दोस्तों, इसमें देख रहे हैं ये संख्या आपकी बड़ी है, ये संख्या आपकी बड़ी है दोस्तों, तो आखिर इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या को दोस्तों फिक्स कर लीजिए, इस संख्या को फिक्स कर लीजिए और इसमें कुछ करिए कि इसके बराबर हो जाए, तो चलिए दोस्तों हम ट्राई करते हैं, अर्थात एक तो या तो आप जोड़ सकते हैं दोस्तों, या तो आप गुणा कर सकते हैं, या तो आप भाग दे सकते हैं दोस्तों, या तो आप जोड़ के गुणा कर सकते हैं, या तो आप गुणा करके जोड़ सकते हैं, और या तो आप दोस्तों भाग करके जोड़ सकते हैं, तो चलिए देखते हैं 7, 5, 12 दोस्तों, अब 12 × 2 करेंगे 24 हो जाएगा, मतलब 7 + 5 और गुड़े 2 दोस्तों, तो 7, 5, 12 × 2 = 24 हो गया, फिर दोस्तों 1 + 3 तो 3 = 4 दोस्तों,
तीन एक चार दोस्तों, और इंटू दो कर देंगे चार दूनी आठ हो गया दोस्तों। उसी तरह पाँच प्लस तीन करेंगे पाँच तीन आठ, और आठ इंटू दो कर देंगे दोस्तों तो सोलह हो जाएगा। तो हमने कहा दोस्तों कि या तो आपका जोड़ के गुणा करना रहेगा, या तो गुणा करके जोड़ना रहेगा, या तो भाग दे के प्लस करना रहेगा दोस्तों। यही तीन नियम होता है आपका इसमें, जो आपकी नंबर फिलिंग रहती है दोस्तों, इसमें यही तीन नियम रहता है। कहीं समस्या हो दोस्तों तो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करिएगा दोस्तों, बताइएगा, तो मैं इसको मैराथन क्लास मिला करके पूरा क्लियर करा दूंगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दो, यानी कि 16। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है सुनिएगा। रतौंधी का जो संबंध विटामिन ए से है, वही संबंध बेरी बेरी का किससे है। जी हाँ दोस्तों, साइंस का प्रश्न आ गया यहाँ पर, और साइंस का प्रश्न आ गया दोस्तों। मैंने कहा था कि विवेक जी की जो क्लास चलेगी दोस्तों, विवेक जी की जो क्लास 8 बजे चलेगी अभी शाम को दोस्तों, उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें आपका साइंस का क्वेश्चन करवाया जाएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। लग जाइए दोस्तों, लग जाइए। मुझे ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए दोस्तों, अगर आप 10 भी रहेंगे तो 10 को मैं क्वालिफाई करवा दूंगा। उसके बाद सबको दिखाऊंगा कि देख लीजिए मैं 10 बच्चों को पढ़ाता था और हमारे 10 के 10ों बच्चे सिलेक्ट हो गए। तो दोस्तों आप लगिए हमारे साथ और आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा दोस्तों। तो सुनिएगा दोस्तों क्या कह रहा है। रतौंधी रोग जो विटामिन ए का से है, वही संबंध बेरी बेरी का किससे है दोस्तों। तो बेरी बेरी का आपका विटामिन बी से संबंध है दोस्तों। जैसा कि आप पता होगा, रथ एक टॉफी। जी हाँ दोस्तों, रथ एक टॉफी, इस पे आपको मैंने एक ट्रिक दी थी दोस्तों, और ट्रिक की वीडियो भी बनाई थी दोस्तों, तो आप लोग वहां देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक, रथ एक ट्रॉफी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है 160 का 45%, 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर इतना माइनस इतना हो, तो इसको सॉल्व करना है दोस्तों। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं, चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों, एक मिनट लगेगा, कोई ऐसा कलर लेते हैं जो आपको क्लियर दिखे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। 160 का 45% दोस्तों, 160 × 45/100 प्लस 250 का 14%, यानी कि 250 × 14/100, फिर बराबर दोस्तों वाट की जहां पे यक्स लिख लीजिए, और माइनस 23 दोस्तों। बस यही हल करना है दोस्तों, चलिए हल करते हैं। देखिए आपको एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा दोस्तों, 2 × 5 = 10 दोस्तों, और 2 × 8 = 16, और 5 × 9 = 45। फिर यहां पर करेंगे दोस्तों तो 25 × 25 दोस्तों, एक जीरो से देखिए 25 × 25 दोस्तों, 25 × 4 = 100, और 2 × 2 = 4 दोस्तों, 2 × 5 = 10, और 2 × 7 = 14, यानी कि दोस्तों 5 × 7 = 35 आ गया, और 8 × 9 = 72 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखिएगा इसका मतलब हुआ दोस्तों, सुनिएगा मैंने क्या कहा कि यहाँ पर हमने काटा दोस्तों 25 × 25, और 25 × 4 = 104 आ गया, फिर 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, फिर 2 × 7 = 14 दोस्तों, 5 × 7 = 35, और 8 × 9 = 72, यानी कि 72 + 35 बराबर दोस्तों ये हो जाएगा हमारा यक्स प्लस 23। जी हाँ दोस्तों, 75 + 35 बराबर यक्स प्लस 23 दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा आंसर। वो आंसर नहीं दोस्तों, हल करते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा दोस्तों। मैंने क्या किया, फिर से देखते हैं, आपका आया था दोस्तों 72 + 35 बराबर यक्स माइनस 23। तो इसको जोड़ेंगे दोस्तों, 5 × 2 = 7, और 7 × 3 = 10 दोस्तों, 107। इसको दोनों जोड़ देंगे दोस्तों, 70 × 20 = 100, और 5 × 2 = 7 = 107, और ये 23 इधर आएगा दोस्तों प्लस 23, ये बराबर हो जाएगा यक्स के, और जोड़ देंगे दोस्तों तो 130 बराबर यक्स के, अर्थात जो ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 130 हमारा सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी परसेंट कहे अगर दिक्कत हो रही हो दोस्तों तो कमेंट करिएगा। प्लेलिस्ट में परसेंट वाले चैप्टर का बेसिक पूरा मैंने बताया है, अर्थात दोस्तों 160 × 45/100 और प्लस दोस्तों 250 × 14/100, ये बराबर हो जाएगा दोस्तों यक्स प्लस 23 के। हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, तो इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों, 130। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है दोस्तों अगला प्रश्न, 400 × 20 दोस्तों, 400 × 20 दोस्तों, उसी तरह 484 क्या होगा। याद रखिएगा, जब इस तरह आपको अनुपात और समानुपात की तरह मिले दोस्तों, तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें या तो आपको वर्ग का मिलेगा, या तो आपका घन का मिलेगा,
ठीक, या तो वर्ग का मिलेगा दोस्तों, या तो घन का मिलेगा, या तो वर्ग प्लस का मिलेगा दोस्तों, या तो घन प्लस का मिलेगा, या तो वर्ग माइनस का मिलेगा दोस्तों, या तो घन माइनस का मिलेगा। मतलब वर्ग करके या तो कुछ जोड़ना रहेगा, या तो घन करके कुछ जोड़ना रहेगा, या तो वर्ग करके कुछ घटाना रहेगा, या तो घन करके कुछ घटाना रहेगा दोस्तों, या तो वर्ग करने के लिए रहेगा या तो घन करने के लिए रहेगा। बस इतना ही नियम रहता है, कहीं दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अगर मैंने कहा कि कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, फेसबुक पर मैसेज करिएगा, या फिर टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा, कहीं भी मैसेज करेंगे जवाब दूंगा दोस्तों। एक बार जय हिंद लिखिए, एक बार जय हिंद लिखिए और बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए भाई। किशन बताइए, आशीष बताइए, नील प्रताप बताइए, नीलेश बताइए, पवन बताइए, मुकुंद बताइए, सब लोग बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। गौरव राजपूत एथलेटिक आप भी बताइए, विजय आप भी बताइए, तुलसी आप भी बताइए, अभय आप भी बताइए, ब्लैक अजगर आप भी बताइए, सब लोग बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। अर्थात दोस्तों 20 का जब वर्ग करेंगे तो 400 हो जाएगा, उसी तरह 21 का जब वर्ग करेंगे दोस्तों तो 21 हम में 484 होता है। अब वर्ग करने की ट्रिक दोस्तों मैं अभी लेकर आऊंगा, वर्ग करने की ट्रिक दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, जब बताना रहेगा तो मैं आपको नोटिस दे दूंगा दोस्तों। वर्ग करने का सबसे आसान तरीका दोस्तों 2 सेकंड में सॉल्व होगा, 2 सेकंड में आप वर्ग सीख जाएंगे दोस्तों, 2 सेकंड में, कहीं दिक्कत नहीं होगी। अर्थात इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9वें का ऑप्शन नंबर सी, अर्थात क्या हो जाएगा दोस्तों 22 हम में 284, यानी 22। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, 2 दूना 4 और दोस्तों 2 दूना 4, फिर दोस्तों देखिए दोस्तों, फिर 2 दूना 4 तो 4 दूनी 8 दोस्तों, अर्थात 4 8 4, यही आ जाएगा आंसर। कैसे किए दोस्तों इसको हम बताएंगे कल, कल आपको बताएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं, और 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखिएगा, ये है दोस्तों, मिल गया। 10वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है, लिखा क्या है सुनिएगा, एक मिनट रुक जाइएगा। 10वें क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों 240, 120, 60, 10, 15। तो देखिए 240 में अगर बटे दो कर देंगे दोस्तों, मैंने कहा कि इस तरह के प्रश्न में या तो जोड़ने के लिए रहेगा, इस तरह के प्रश्न में या तो घटाने के लिए रहेगा, इस तरह के प्रश्न में या तो गुणा करने के लिए रहेगा, और इस तरह के प्रश्न में या तो भाग करने के लिए रहेगा। चलिए 240 में दोस्तों अगर 240 का आधा कर दें तो 120 आ जाएगा, और 120 का आधा कर देंगे दोस्तों 60 आ जाएगा, फिर दोस्तों 60 का अगर आधा कर देंगे तो 30 आ जाएगा, और 30 का आधा कर देंगे तो 15 आ जाएगा। इसका मतलब क्या देख रहे हैं दोस्तों, इस सीरीज में दोस्तों आधा किया जा रहा है, और आधा किया जा रहा है इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 30 आएगा दोस्तों, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, लिखा है निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। जी हाँ दोस्तों, अन्य 3 से जो भिन्न है वही चुनना है दोस्तों, पौधा, जड़, पत्ती, तना। जी हाँ दोस्तों, पौधा, जड़, पत्ती, तना दोस्तों। तो आप लोग बताइए दोस्तों इसका क्या होगा, कमेंट करिए, मैं देखता हूँ कि क्या जवाब दे देते हैं आप लोग कि नहीं। आप लोग कमेंट करिए, अभी तक कोई बच्चों कमेंट नहीं किया है, आप लोग कमेंट करिए और बताइए क्या होगा इसका, देखता हूँ मैं कि आप लोग सही कर पाते हैं कि नहीं दोस्तों, देखता हूँ कि आप सब लोग सही कर पाते हैं कि नहीं दोस्तों। जैसे कि देखिए दोस्तों, पौधा ये जड़ जो है, पत्ती जो है, तना जो है, ये सभी दोस्तों, ये तीनों आपके, चाहे जड़ हो गया, चाहे पौधा हो गया, चाहे तना हो गया दोस्तों, ये तीनों दोस्तों आपका पौधा का ही एक भाग है दोस्तों, अर्थात सब में जो अलग है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अलग है, पौधा। ठीक, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं दोस्तों, लिखा है दोस्तों 12वें क्वेश्चन में, देख लीजिए लिखा है, ये बना हुआ है दोस्तों, इसमें बताना है कि भिन्न कौन सा है। जी हाँ, अलग कौन सा है, देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका यन है, ये आपका डब्लू है, ये आपका जेड है। तो देखिए दोस्तों, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, 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 चार रेखा। यानी कि हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, हम क्या देख रहे हैं कि पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों जो दोस्तों तीन रेखाओं से मिलकर बना है, ये तीनों दोस्तों तीन रेखा से मिलकर बना है, जबकि आपका तीसरा जो है दोस्तों ये चार रेखा से मिलकर के बना है। तो इसका मतलब अलग कौन हुआ दोस्तों, अलग कौन हुआ, तीसरा अलग हुआ, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है दोस्तों। जैसे अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं, कह रहा है 12, 14, 16, 18, 20 का औसत ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्या ज्ञात करना है दोस्तों, औसत ज्ञात करना है, और औसत ज्ञात करने के लिए याद रखिएगा, औसत ज्ञात करने के लिए याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आपकी पदों की संख्या क्या है दोस्तों, विषम है, ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, अगर पदों की संख्या दोस्तों विषम है तो
तो जो बीच में रहेगा वही आपका औसत हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना। अगर पदों की संख्या विषम है दोस्तों, गिनिए 1 2 3 4 5, तो 5 आपका विषम है दोस्तों, तो जो बीच में रहेगा वही इसका औसत हो जाएगा, अर्थात दोस्तों औसत क्या हो जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन मैं देता हूं दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं देता हूं और आप लोग बताइए, जैसे 2 8 10 12 15 17 और 33, जी हाँ दोस्तों आपको इसमें बताना है, दोस्तों आपको इसमें बताना है कि इसका औसत क्या होगा, और जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए कि इसका औसत क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताइए दोस्तों कि इसका औसत क्या होगा। तो हमने कहा दोस्तों कुछ नहीं करना, गिन लीजिए कितना पद है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है दोस्तों, बीच में कौन सा है, बीच में कौन सा है दोस्तों, 12, तो अर्थात इसका औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, 12। अगर पदों की संख्या दोस्तों विषम है तो जो बीच में रहेगा वही उसका औसत हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, किस दर से 1500 रुपए का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 15 रुपए हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों किस दर से 1500 रुपए का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 15 रुपए हो जाएगा, अर्थात P बराबर दिया है दोस्तों 1500 और T बराबर दिया है दोस्तों 2 वर्ष और ब्याज आपको यानी कि SI बराबर दिया है 15 बराबर, तो कह रहा है किस दर से R निकालना है दोस्तों, तो याद रखिएगा फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों, R बराबर होता है दोस्तों 100 इंटू SI अपान P इंटू T, जी हाँ दोस्तों चूंकि आपको पता होगा PRT अपान 100 बराबर SI होता है, बस इसी मान रखिए दोस्तों SI आपका 15 है, यानी कि दोस्तों 100 इंटू 15 क्या होगा, देखिएगा आपका R बराबर हो जाएगा दोस्तों 100 इंटू 15 और बटे 1500 इंटू 2, बस दोस्तों दो जीरो कट जाएगा, 15 से आपका 15 कट जाएगा, इसका मतलब दोस्तों R बराबर क्या आ जाएगा, देखिएगा R बराबर 1/2% और 1/2 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 1/2 का मतलब हुआ 0.5%, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। वहीं अगर अगले प्रश्न पर चले दोस्तों, तो क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है दोस्तों P और Q भाई हैं, R और यश बहन है, P का पुत्र यश का भाई है, तो Q R का कौन है, जी हाँ दोस्तों Q R का कौन है, आप कमेंट करिए दोस्तों, एक मिनट रुक जाइएगा, आप कमेंट करिए दोस्तों। तो अब बताइए दोस्तों क्या कह रहा है, P Q का भाई है, इसका मतलब दोस्तों P Q का भाई है, R यश की बहन है, जी हाँ दोस्तों R यश की बहन है, फिर कह रहा है पी यश का पुत्र है, जी हाँ दोस्तों पी जो है यश का पुत्र है और पिता दोस्तों ऊपर रहेगा, अर्थात पी जो है यश का पुत्र है तो यश आपका ऊपर रहेगा, अर्थात दोस्तों यश पी का पुत्र यश है, एक मिनट रुक जाएगा, फिर से देखिए कह रहा है पी क्यों का भाई है, यानी कि पी और क्यों भाई है, आर यश की बहन है, आर और यश बहन है, सिस्टर लिख दे रहा हूं दोस्तों, यस का मतलब सिस्टर और बी का मतलब ब्रदर, तो दोस्तों पी और क्यों भाई है, आर यस बहन है, फिर क्या कह रहा है पी का पुत्र यस का भाई है, जी हाँ दोस्तों पी का पुत्र जो है वो यस का भाई है, तो पी का पुत्र जो है वो यस का भाई है, तो इसका मतलब पी का पुत्र, मान लीजिए ये पुत्र है दोस्तों, और अगर पुत्र है और ये यस का भाई है तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यानी कि पी पुत्र हो गया और आर यस बहन हो गई, इसका मतलब पी की बेटी हो गई आर और यस, पी की बेटी हो गई दोस्तों आर और यस, तो कह रहा है क्यों आर का कौन है, तो दोस्तों आपके पापा आपके क्या लगते हैं बताइए, मान लीजिए ये पुत्र आप हो, जी हाँ दोस्तों अगर ये पुत्र आप हो तो आपके पापा के भाई दोस्तों आपके क्या लगेंगे, तो चाचा लगेंगे, अगर आपके पापा के भाई आपके चाचा लगेंगे तो आपकी बहन का क्या लगेंगे दोस्तों, तो आपकी बहन की भी चाचा लगेंगे, अर्थात इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, चाचा हो जाएगा। ब्लड रिलेशन के लिए परेशान मत होइएगा, ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग मैराथन में देखेंगे दोस्तों। तो आज हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किया, और आप जानते होंगे दोस्तों रागा में आपका 30 क्वेश्चन रहता है दोस्तों, मैंने सोच ली दोस्तों 20 मिनट में हमने दोस्तों 15 क्वेश्चन हल किया, जी हाँ दोस्तों 20 मिनट में 15 क्वेश्चन मैंने हल करके आपको समझाया, तो जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो आप
15 मिनट में दोस्तों 30 क्वेश्चन हल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 15 मिनट में 30 क्वेश्चन हल करेंगे, एकदम घोड़े की रफ्तार से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मजा आई हो दोस्तों जय हिंद लिखिए, मजा आई हो तो जय हिंद लिखिए। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में शाम को 7 बजे महामैराथन क्लास में, और उसको मैं बोर्ड में समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।